ईमानदारी से बता देना चाहता हूँ, बार बार ईमानदारी शब्द इसलिए यूज करूंगा कि समाज में कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट है, विश्वास का अभाव है, लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति प्यार और भाईचारे का भाव खत्म होता जा रहा है, इसलिए मैं शब्द बार बार यूज कर रहा हूँ। और ये चीजें लेकिन मैं बिल्कुल एक एक पल चलता हूँ। आज ही मीटिंग करने से पहले मैं चार बार अपने साथी से पूछता हूँ कहीं ये चूक तो नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाए, आप पूरा इस बात पे तो नहीं फील कर जाएंगे। हम उस चीज तक भी लेके चलते हैं तब एक काम करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें टिकट मत देना, हमारी मैडम या हमारे अध्यक्ष महोदय को भी टिकट मत देना। तुम टिकट खुद ही बांट लो, खुद ही ले लो, पर तुम MLA MP बन जाओ भाई, किसी तरीके से बन जाओ। हम तो अभी नेता भी नहीं है, अभी हमारी पार्टी भी पॉलिटिक्स भी नहीं है, हमारे बीच में जो नेता बैठे हैं या जो नेता आ रहे हैं, बनारसी दास जी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, घनश्याम मोरवाल जी आप भी आ गए, यार पार्टी के लीडर हैं। सॉरी मैं आइए ना, मुझे मेरे से गलती हो गई, ये पार्टी के डॉक्टर बनारसी दास जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्टी के चलाने वाले हैं, तो जो पार्टी के साथी उनको अलग लाइन में सम्मान देना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग 5-7 नए नए चेहरे जो बने हैं और आपका वजूद भी है, भाई रामवीर चौहान बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुरुषोत्तर विधानसभाओं पे दिन रात काम कर रहे हैं, सातों लोकसभाओं पे, DDA सातों लोकसभाओं पे, भानु प्रताप जी शायद UP में ज्यादा काम करेंगे, दिल्ली में 1-2 लोकसभाओं पे जैसा हमारी चर्चा हुई है, बाकी सभी लोग सातों लोकसभाओं पे सब अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो मुझे आप लोग बताइए और आप भी बताइए, क्या हम जीत पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? एक भी नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो हम अगर अपना मैं और महकार छोड़ के अगर हम ये कह रहे कि भाई भानु प्रताप जी आप यहां से खड़ा कर दो, रामवीर चौहान जी आप यहां से खड़ा कर दो, वीरेंद्र भाई जी आप यहां से खड़े हो जाओ, एडवोकेट की तरह नहीं आप यहां से खड़े हो जाओ, और भाई जो ना घनश्याम मोरवाल जी आप यहां से खड़े जाओ, तो 7 ताकत मिलगी तो शायद सारे अपनी अपनी सीट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, उसका प्रयास यहां पे कर रहे हैं हम। उसके लिए दिल और दिमाग विचार बढ़ा करके इस पे विचार करो, इस पे बात रखो। मैं अब चाहूंगा हमारे ओजस्वी साथी एडवोकेट भानु प्रताप जी आए और इसके ऊपर अपनी बात रखें और समय का हम जरूर ध्यान रखेंगे ताकि हम सबको सुनने का मौका दें। भानु प्रताप जी जोरदार समाज के लिए एडवोकेट करने के लिए जोरदार जोश लगाते हैं। मैं भानु प्रताप जी को सैल्यूट करता हूँ, मेरा भाई है और मैं इनके साथ दिल से जुड़ा हूँ। देखिए जब कहीं हम भटक जाते हैं या कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो हम फिर क्या देखते हैं कि यार उद्देश्य क्या था, हम लेके क्या चले थे। अगर हम उसको पकड़ लेते हैं कि हम लेके क्या चले थे, तो फिर दोबारा लाइन पे आ जाते हैं। हम आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं आदरणीय भानु प्रताप जी, ये संगठन जब सेमी पॉलिटिकल या पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल भी होगा, जैसा कि अभी बाद में एडवोकेट गीता रानी जी इसकी अनाउंसमेंट करेंगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, ये सेमी पॉलिटिकल अलायंस बनेगा। हम इसमें अंदर हैं बाहर हैं, हमें इतना जरूर विश्वास है कि ये संगठन ना तो डिक्टेटरशिप करेगा, ना मनमानी करेगा, और जो भी करेगा डेमोक्रेटिक करेगा, और आपके साथ अलायंस में जुड़ भी सकता है या आपको जोड़ भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को और गैप को खत्म करना है, बैरियर हटाने हैं और स्पीड को बढ़ाना है। इसलिए बिल्कुल मैं चाहता हूं पर्सनली ये संगठन जब आगे बढ़े कि उस विचारधारा से दिल दिमाग से बढ़े जिसमें लास्ट में भानु प्रताप जी ने क्वेश्चन मार्क लगाया। मैं आपकी बात से सहमत हूं आदरणीय कि ये लीड करने वाला आदमी उसका दिल और दिमाग और उसका व्यक्तित्व महान और ईमानदार होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और वही चीज आगे बढ़ेगी, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं हमारे बीच में साथियों वैसे पॉलिटिकल फ्रंट के 5-6 लीडर हैं, लेकिन सामाजिक संगठन के ऐसे ऐसे धुरंधर लोग बैठे हैं, खरेला साहब खरेलिया जी हैं हमारे बीच में, आदमी खरेला जी अगर खड़े हो जाए, खरेला जी के लिए तालियां बजाएं, खरेला जी बहुत बड़ा संगठन चला दे आदिवासी का,
हमारे बीच में ठगेला जी हैं, और नेत्रम ठगेला जी सर कहाँ हैं? अभी बाहर गए हैं, डिफेंस के पर्सनल है, बोधरा संगठन चलाते हैं। हमारे बीच में सुनीता महिपालपुर से आई है, बोधरा संगठन चलाते हैं। हमारे बीच में जो यहाँ से पालम से हमारे पुष्कर जी आए हैं, संगठन चलाते हैं। राजापुरी से शिरोमणि जी आए हैं, विकासपुरी से हमारे नवाब सिंह जी आए हैं। द्वारका से बहन हमारी मधु भारती कहाँ है? अभी अभी आई है। 500 लोगों का मंच को रिप्रेजेंट करती हैं। हरियाणा, पंजाब, हमारे विकास सुधीर राज जी, बहुत बड़े बुद्धिस्ट और धर्म के प्रचारक। सुधीर राज जी खड़े हो जाए जरा एक बार प्लीज, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। देश के लिए धर्म का काम करते हैं। हमारे बीच में बागड़ी जी आए हैं, और एक बात कहना चाहता हूँ, बागड़ी के नाम से मुझे याद आ गया, हमारे नरेश बागड़ी, बागड़ी जी आए, नरेश जी आ गया है। ये हमारा भाई है, और इसकी खासियत इसलिए है कि ये हमारा अपना होटल है, ये हमारा भाई है, इसके लिए जोरदार ताली बजाएं। वो अलग बात है, लेकिन हम जो भी करें खर्चा तो अपने भाई के लिए करें ना, यही तो मजा है ना, इसके लिए। और ये हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि यहाँ 500 संगठन और 5-7 पॉलिटिकल पार्टी एक उद्देश्य से बैठी हैं, और वो उद्देश्य कभी भी भटकना नहीं चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे लाइन्स आएंगे और आंधी में चले जाएंगे। इसी लाइन में मैं हमारे भूप सिंह जी, हरियाणा में बहुत बड़ी लहर चला रखी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, और वहां के एमएलए के लिए दिन रात लगे हुए हैं। भूप सिंह खंडवाल जी आए, अपनी बात रखें, ब्रीफ में बात करेंगे, खाना ठंडा हो जाएगा, और फिर उम्र में भी इतना जोश, रिटायर होने के बाद क्यों है, ये समाज के प्रति जिम्मेदारी है, चिंता भी नहीं है, जिम्मेदारी है। पहले परिवार की जिम्मेदारी थी इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन जिम्मेदारी समझी तो और जोश से आए। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कि जो 19 का हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य में कहीं हमें चूक नहीं होनी चाहिए। चूक से मेरा मतलब ये है कि हम लोगों के सामने जो बहुजन समाज का आंदोलन, क्रांति, और हमारे इतिहास और हमारे आने वाले जाति को मूल शासक वर्ग बनाने के लिए जो इस महापुरुष ने, सबके आदरणीय यही होंगे मेरे हिसाब से, बाबा साहब से ऊपर तो दुनिया में हमारे लिए क्या, दुनिया के लिए कोई नहीं है। इस महापुरुष ने हमें एक आदेश दिया कि तुम इस देश के हुक्मरान हो, तुम शासक हो, जाओ बनो शासक। तो हमारा कोई भी प्रयास, वो अलग बात है कि हमारे आगे चलने वाले लीडर या हमारे जो आगे लीड कर रहे हैं, चाहे पार्टी वाले हैं चाहे नेता हैं, वो गलती कर रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने गलती कर दी है, या कोई ना कोई उनसे चूक हो गई है, हम ये मान लेते हैं, चलिए, क्योंकि हमारा बाप बड़ा भाई निकल को कोई चूक कर देता है तो कहीं ना कहीं हमें भी उसको कहीं ना कहीं या तो मानना पड़ता है या सुधारना पड़ता है, ऐसा ही है ना। हम उसमें भी नहीं जाते कि क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर हमें संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कम लोकसभा के इलेक्शन में देश के अंदर हम पार्टी बनाए या ना बनाए, हम पार्टी बनाए या बनाए, ये लोग ऑलरेडी पार्टी चलाने वाले लोग या गैर राजनीतिक लोग जो इलेक्शन लड़े, जो भी यहाँ पे राजनीति करे, वो कहीं से भी बहुजन समाज के आंदोलन और क्रांति के खिलाफ में नहीं होनी चाहिए। ये मेरा साफ उद्देश्य है। कभी कभी हमें सबर का घूंट भी पीना पड़ता है, कभी कभी हमें अच्छाई के लिए जहर भी पीना पड़ता है, कभी कभी हमें सही चीज के लिए बहुत बड़ा ज्यादा सजा भी सहन करनी पड़ती है। वो हमारी भाव है कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर चकोर की परवाही नहीं चांद को, और चकोर मरी जा रही है, और चांद को पता ही नहीं किसी ने कोई मरी जा रही है, बेचैन हो गए, खत्म हो गई, तो एक स्टेज में फिर वो भी सोचता है कि भी मैं क्या करूं, अब तो बहुत हो गया। तो हम प्रयास करेंगे, मेरा मैसेज आप लोग समझ गए होंगे शायद, हम प्रयास करेंगे कि देश के अंदर और कम से कम दिल्ली के अंदर इस देश की बहुजन समाज के आंदोलन और क्रांति की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी आदमी देश के अंदर आने वाले समय में इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हाल के लोगों पर ये उंगली उठाकर कलंक ना लगाए कि इन लोगों ने 2019 में अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद बहुजन समाज की सरकार आ जाती, ऐसा हम कोई प्रयास नहीं करेंगे। अगर हमें ऐसा संदेश या आदेश हुआ, तालमेल बन सका या बना सके, किसी भी तरीके से जो चीज हम बना रहे हैं वो चीज हमारे साथ मिलके दूसरी चीज मिल रही है, ऑलरेडी बनी हुई, मजबूत होके
अगर एक होकर कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं तो मेरे भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा और हम भी उसके लिए तैयार करेंगे कि कम से कम इस बार एक ऐसा मजबूत और एक ऐसा जो ना धुरंधर जो है विकल्प देश के अंदर दिल्ली के अंदर स्थापित करो कि आप ही नहीं तो आपका भाई, आपकी पार्टी नहीं तो आपकी पार्टी, आपका संगठन नहीं तो आपका संगठन, जो भी आए दिल्ली में आए आपका ही आदमी आए, ऐसा ऐलान करके चलो, ऐसा देश को लेकर चलो। बस ये संदेश साफ जाना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस का और इस मीटिंग का, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है याद रखना, इस मीटिंग का उद्देश्य कभी भी देश में ये नहीं जाना चाहिए कि 2019 में भारत में बहुजनों की सरकार बन रही थी और वहां पर कुछ लोगों ने बैठ के अलग अपनी खिचड़ी पकाई और हमारे आंदोलन को जाके वहां पे कहीं ना कहीं डैमेज करके खत्म कर दिया। हम उसके अपने आप को उसका हिस्सेदार या उसके लिए भागीदार नहीं बनाना चाहते। हम वो करेंगे जो जनहित में होगा, जो बहुजन समाज के लिए होगा, जो देश के लिए होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। अगर मैं गलत हूं तो कोई ना मुझे रोक सकता है। इसी लाइन में हमारे एडवोकेट रामवीर चौहान जी एक पार्टी चलाते हैं, बड़े जुजार साथी हैं, 25-30 साल से बहुत बड़े नेता हैं। हम चाहते स्पष्ट बातें करिए साथियों, मैं कुछ बातें एक मिनट में दिल की बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो सबके मन में टीस है, दर्द है कि माननीय कांसीराम साहब ने घर परिवार त्यागा, शादी नहीं की, नौकरी छोड़ी, बाप बेटे माँ बहन सबको त्यागा। एक उद्देश्य था कि देश का हर वर्ग, हर समाज जाति का लोग देश की भागीदारी में हिस्सेदारी लें। कहीं ना कहीं जाके हमारा जो आंदोलन क्रांति का जो प्रतीक हमारी पार्टी है, मैं इसको पार्टी नहीं मानता, मैं इस पार्टी को पार्टी नहीं मानता, इसलिए क्योंकि ये पार्टी का उद्देश्य क्रांति पर आधारित है कि नहीं बताइए। इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव महापुरुषों के आंदोलन और क्रांति का प्रतीक है और उस क्रांति और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसी विशेष जाति समुदाय ने सब कुछ नहीं किया है। कोई भी जाति समुदाय जब तक सबकी हिस्सेदारी या भागीदारी देश के राष्ट्र के निर्माण में बराबरी से नहीं होती, ना वो देश महान होता, ना वो समाज महान होता। कहीं ना कहीं वो चीज भटक गई थी। सबके मन में एक क्वेश्चन है जो हम बोलना भी नहीं चाहते कि एक विशेष वर्ग एक विशेष चीज आगे बढ़ के उस चीज को ले रही थी। हमें उसका फक्र है, हमें उसका इस चीज का वी फील प्राउड। लेकिन थोड़ा सा मन में यह था कि आपके जो दूसरे भाई जो रह गए हैं उनको भी साथ ले लेते तो आज आप ही देश के अंदर खुद ही प्रधानमंत्री बनने लायक बन जाते। वो कमी रह गई और उस कमी को पूरा करने के लिए आज इस हॉल में ये सामाजिक कार्यक्रम है जो पॉलिटिकल होने जा रहा है। इस हॉल में आज के दिन कम से कम नहीं तो 15 से 20 जातियों के लोग और SC ST के लोग यहां पे बैठे हैं। यहां हर वर्ग का जो रिप्रेजेंटेशन है और ये हम जो लड़ाई लेके चल रहे हैं उसमें अज्ञानी जी, भानु प्रताप जी, रामवीर चौहान जी, वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कम से कम मेरा जो अपना व्यक्तिगत उद्देश्य है, नीम आज डाल रहे हैं लेकिन 10 साल बाद भी अगर इस उद्देश्य में कहीं भटके नहीं, भटकने से मतलब क्या है कि उस आकार काका को नेता नहीं बनाया जिसने हमें बर्बाद किया, या उसके आगे जाके भीख नहीं मांगी जिन्होंने हमारे को गुलाम बनाया, या अपने उस गरीब भाई को हमने नेता नहीं बनाया जिसने पार्टी के लिए दरी चतरे बिछाई, तो शायद हम लोग आगे भी जिंदगी भर शासक नहीं बन पाएंगे। उद्देश्य साफ है, ये आज पूरा होगा या 10 साल बाद पूरा होगा हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि एक और मंच या एक और पार्टी या एक और अलायंस का गठबंधन ऐसे होने जा रहा है देश के अंदर, जिसके अंदर सभी जातियों का, मैं व्यक्तिगत तौर पर नाम लेना चाहूंगा, वाल्मीकि, खटीक, पासी, भंगी, धानक, लोहार, कुमार, चुनार, धोबी, मनियार, और जिसमें हमारे मुख्य भाई जाटर समाज तो हमारे भाई लीडर है, उनकी लीडरशिप तो हमें स्वीकार है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे एक नए अलायंस का, सेमी पॉलिटिकल पार्टी का या पार्टी का गठन करके आगे बढ़िए
जिसमें सबका हिस्सेदारी, सबकी इस देश के आंदोलन में, क्रांति में हिस्सा हो, उनका बलिदान हो, उनका त्याग हो, उनका समर्पण हो, ताकि उनकी जातियां, उनके लोग भी ये कहें कि हमारे बाप ने भी, हमारे दादा ने भी, हमारे परदादा ने भी देश के अंदर, जब बहुजन समाज की आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब देश के अंदर राष्ट्र निर्माण का आंदोलन चल रहा था, जब देश के अंदर कोई देश के अंदर मसीहा बहुजन समाज को शासक बनाने की लड़ाई लड़ रहा था, तो उसमें हमारे भी बाप थे, हमारे भी दादा थे, हमारे भी पुरखे थे, ऐसी चीज होने की जरूरत है। ये लड़ाई एक तो मामूली लड़ाई नहीं है। तो इस लाइन में मैं अभी आगे निमंत्रण करता हूं, हमारे बीच में बदलिया जी हैं, बड़े ही जुझारू और बहुत ही सुलझे हुए। ये राजराज जी कहां गए? राजराज जी पीछे कहां है? राजराज जी आप आइए, आप कह लीजिए आप आगे। नहीं नहीं ठीक नहीं है, आगे आइए, जब रिप्रेजेंटेशन है तो आगे आइए, ऐसा नहीं। बदलिया जी, हम आपसे बहुत कम शब्दों में आपके डायरेक्ट जो है सजेशन चाहते हैं कि ये